नमस्कार मित्रों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। बहनों भाइयों, आप सबको इस समय जो एक वैश्विक महामारी कोरोना हम सबको चुनौती दे रहा है, इससे इस पे कुछ बोलने का आज मन किया है। इसलिए आपके बीच में मैं कुछ अपना विषय रखना चाहता हूँ। बहनों भाइयों, ये वैश्विक महामारी के रूप में वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरी दुनिया को आज एक इस कोरोना जैसे महामारी से चुनौती देने का काम कर रहे हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा भी मन हुआ कि कुछ आप सब लोगों से विषय रखूं। बहनों भाइयों, जैसा सोशल मीडिया को देख के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख के ये दिख रहा है, ये भयावह स्वरूप तमाम लोग इस वर्तमान समय में लॉकडाउन की वजह से भूखे प्यासे खाने के तलाश में घूम रहे हैं। मेरा आप सभी बहनों भाइयों से आग्रह है कि जिनके पास भी सामर्थ्य है वो सभी लोग अपने आस पड़ोस में जो लोग भी ऐसे लोग हैं उनकी मदद के लिए इस समय हम सबको आगे आना चाहिए। ये भारत भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये महर्षियों की भूमि है, ये पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाली भूमि है। यही भूमि है जिससे ये विचार निकल के आया है कि वसुधैव कुटुंबकम का विचार, संपूर्ण संसार हमारा घर है, हमारा परिवार है, तो ये मानने वाला विचार ये भारत भूमि है। इस नाते यहाँ पे हम सबको जैसे प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि कम से कम 5 परिवारों की जिम्मेदारी भोजन के लिए, 5 व्यक्तियों को भोजन अगर हम नित्य कराएं तो ये इस समय वैश्विक महामारी से भारत में जो वर्तमान संकट है इसमें उभरने के लिए हम सबको एक बहुत बड़ा दुनिया को नेतृत्व करना हम सब लोग सिखा सकते हैं। बहनों भाइयों, जो ये बीमारी है इसमें जो कुछ भी करना है मुझे अपने आप को सेव करके, अपने परिवार को सेव करके करना है, क्योंकि ये महामारी एक ऐसा दुश्मन है हमारे सामने जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस दुश्मन को हम तभी मात दे पाएंगे, इसको तभी हमारा पाएंगे जब पूरी तरीके से हम जो सरकार के दिशा निर्देश है, सरकार की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा विश्वास है कि जो 21 दिन की ये लॉकडाउन किया गया है, इस 21 दिनों में हम लोग इस चुनौती से निकल के विजेता बन के आएंगे और पूरी दुनिया भारत में फिर से विश्वगुरु के रूप में आसीन होगी। क्योंकि इस समय वर्तमान समय में जहाँ बड़े बड़े देश जो है आज कोरोना से त्राही त्राही कर रहे हैं, वही हमारे पास एक ऐसा सक्षम नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के रूप में है जो पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे हम ऐसे महामारी से भी चुनौतीपूर्ण तरीके से निपट के और अपने नागरिकों की जान माल की सुरक्षा हम कर सकते हैं। बहनों भाइयों, हमारे इस देश में ऋषियों महर्षियों का विचार रहा है। वेद व्यास जी ने पुराण की रचना की तो पुराण की रचना करने के बाद उन्होंने कहा है, जब लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि पुराण में इतना लंबा पुराण और कलयुग में कोई पढ़ नहीं सकता, तब वेद व्यास जी ने कहा था कि इसका सार है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। तो इस समय दूसरे को पीड़ा नहीं होना चाहिए और दूसरे की पीड़ा को हरने के लिए हम इस समय भोजन का दान करें, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। मेरा आग्रह है, मेरा अपील है कि हम लोग जो कुछ भी कर सकते हैं इस समय सहायता के रूप में वो करना चाहिए। जय श्री राम।